के तारापुर प्रखंड के गाजीपुर में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों की शिकायत के साथ बर्तन को लेकर प्रदर्शन के बाद R9 भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया। गर्मी के कारण पेयजल से पीड़ित गाजीपुर वार्ड संख्या 12 के निवासियों को 3 दिन बाद समस्या का समाधान हुआ। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रंजीत कुमार तकनीकी सहायक संतोष कुमार सुमन एवं मिथिलेश कुमार के साथ स्थल पर पहुंचकर आपूर्ति चालू कराया गया। मौके पर मौजूद उपभोक्ता को अधिकारियों ने जानकारी दी। अनुरक्षण नीति के तहत प्रत्येक परिवार को 30 रुपया उपभोक्ता शुल्क देना है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पानी की टंकी की दीवार पर सूचना लगाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि किसी प्रकार की परेशानी होने पर इस पर अंकित मोबाइल नंबर पर शिकायत करें, शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा, समस्या का समाधान होगा। उन्होंने यह भी बताया कि नल जल योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पानी पीने के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस बात का ख्याल रखा है कि पानी की बर्बादी न हो, वार्ड के बतौर अनुरक्षक अधिकृत किया गया। वार्ड सदस्य प्रत्येक माह टंकी की साफ सफाई करवाएंगे। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से 8 बजे तक मोटर को चालू कराना। मौके पर उपस्थित ग्रामीण कुंदन कुमार, कजामो देवी, सुनीता देवी, संगीता देवी वी आदि सभी ने अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। चल रहा है पानी तो आया, ब्लॉक से आदमी ठीक ठाक करके ले गया तो अब तो पानी चल ही रहा है। हम चलाइए रहे हैं टाइम से, ऊपर से सबके सेवा कर ही रहे हैं। कितना टाइम पानी दे रहा है? पानी दे रहे हैं 6 बजे से 9 बजे और 9 बजे अभी 5 बजे से 8 बजे। ठीक है, क्या नाम है आपका? कजमो देवी। कहाँ घर है? पुरानी बाजार धोबी टोला। पानी अभी स्टार्ट हो चुका है धोबिया पोखर का, आज 2-3 महीना से बंद था, आज से जो है पानी स्टार्ट हो चुका है और मीडिया वाला का ही कारण ही पानी स्टार्ट हुआ। मीडिया वाला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग जो इस प्रकार से हुआ, आगे भी हम लोग को देख रेख करते रहे। अब मिल रहा है पानी? हाँ, पानी स्टार्ट हो चुका है। कितना टाइम मिल रहा है पानी? 2 टाइम मिल रहा है, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक और 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। क्या नाम है? नाम प्रेम जी हुआ, प्रेम सा कसरा। कहाँ घर है? तारापुर धोबिया पोखर। धन्यवाद देंगे जो कि उनके निर्देश के अनुसार यहाँ के ब्लॉक के अधिकारी आए, उसके बाद यहाँ कार्रवाई की, उसके बाद चालू हुआ। और उसके पहले सबसे पहले मीडिया कर्मियों ने आए और प्रमुखता से उनको चलाए और पेपर में निकाले, न्यूज में चलाए, तो समाज के लोग और अधिकारी के लोग को जानकारी हुई। उसके बाद आज से पानी चालू हो चुकी है और ग्रामीण के लोगों को बहुत सुविधा हुई है। इसके लिए मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? कुंदन। 9 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मुंगेर, बिहार। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में विषय गांव में फरार प्रेमी के घर पर तारापुर पुलिस ने ढोल बजाकर एवं माइकिंग कर इश्तेहार चिपकाया है। वहीं DSP पंकज कुमार एवं थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन के द्वारा सर्वप्रथम ढोल बजाकर माइकिंग के द्वारा गांव में सूचना प्रसारित की गई कि गांव युवक द्वारा समर्पण नहीं करने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। मालूम हो कि सीमा कुमारी ने अपने ही ग्रामीण युवक संदीप सिंह के विरुद्ध तारापुर थाना में कांड संख्या 159/2020 दर्ज कराई थी। युवती द्वारा आरोप लगाया गया कि संदीप द्वारा उसे शादी का प्रलोभन देकर 8 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया गया और अब शादी करने से इनकार कर फरार हो गए। युवती सीमा कुमारी ने कहा कि अगर इस बीच संदीप ने भागकर किसी और से विवाह किया तो मैं अपने जीवन और मृत्यु के लिए संदीप और उसके परिवार वालों को जिम्मेदार मानती हूँ। उसने गुहार लगाई कि संदीप जहाँ भी उसे ढूंढकर जल्द से जल्द निकाला जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों का विवाह भी करा दिया जाए। शाकिल विषय थाना तारापुर जिला मुंगेर के विरुद्ध इश्तेहार का मामला किया गया है। आने वाले निकट भविष्य में इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। संदीप सिंह के विरुद्ध तारापुर थाना कांड संख्या 159/2020 धारा 420 एवं 376 राज्य भादवे का मुकदमा दर्ज है। R9 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मुंगेर, बिहार। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत सरकारी धर्मशाला मनिया एवं कुमारसार में पूरे सावन माह में 1 महीने धर्मशाला की साफ सफाई को लेकर धर्मशाला से लेकर शौचालय तक की साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मी को अभी 2 साल बीत जाने पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर 2 साल से लगातार हर एक महीने में 15 दिन पर सफाई कर्मियों के द्वारा अंचल कार्यालय में घेराव किया जाता है। परंतु सिस्टम की लचर व्यवस्था को देखते हुए अभी तक सफाई कर्मी को भुगतान नहीं किया जा सका है। सफाई कर्मी को बार बार पदाधिकारियों द्वारा पैसे को लेकर भुगतान आश्वासन दिया जाता है, लोगों की मजदूरी जल्द ही मिल जाएगी, परंतु
परंतु पूरे दो साल बीत जाने के बावजूद भी पदाधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंग पाई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी स्नेह सत्यम ने बताया कि कई बार उच्च अधिकारी को इस संदर्भ में अवगत कराया गया, परंतु ऊपर से भुगतान राशि नहीं भेजे जाने कारण सफाई कर्मियों को मजदूरी नहीं मिल पाई है। इस पर पूछ ऐसा हम लोग मांग रहे हैं सर कि सीओ साहब बड़ा बाबू से मांग रहे हैं पैसा, कितना बार दौड़ा रहा है, दो साल से दौड़ रहे हैं सर, आज भी तबीयत खराब है, अभी डॉक्टर ऑपरेशन हो रहा है कि एक गुल्ली ने बाहर हो रहा है, जबकि पैसा मांग रहे हैं बड़ा बाबू से नहीं दे रहा है, और जबकि फोन करवाया कि मेंटेनेंस नहीं भेजता है, और उससे अभी बात की है, बोला कि हम पैसा भेज दिए, बड़ा बाबू और सीओ ने क्या किया मिलके, दोनों मिलके तेल वाला को पैसा दे दिया, मजदूर का पैसा हम सावन मेला में काम किए थे, पिछले सावन मेला पिछले सावन का काम किए थे। तो किन से बात किए? अभी बड़ा बाबू से बात किए, बड़ा बाबू जो कि मुंगेर जिला का है, जो बोला मेंटेनेंस भेजते हैं, उनसे बात बड़ा बाबू यहाँ का बड़ा बाबू ने करवाया, बोला हम तो पैसा आपको भेज दिए थे, कितना बार फोन किया तो हम भेज दिए, लेकिन सीओ साहब ने क्या किया, बड़ा बाबू मिलके तेल वाला को पैसा दे दिया, हम लोग का पैसा नहीं दिया, दो साल से दौड़ा रहा है, रोज 100 रुपया भाड़ा लगता है, पड्डे लगता है भाड़ा, जोड़ते दौड़ते थक गए, अभी ऑपरेशन को पैसा नहीं है, पैसा बड़ा बाबू सीओ से मांग रहा नहीं दे रहा, पूछना चाहिए करते थे आप? सफाई करते सावन मेला में रात दिन बाबू, मैं गु मेला साफ करते थे। 2019 में इन लोगों के द्वारा काम किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके बाद मजदूरी का जो इनका पैसा है ये कितना बार भेज चुके हैं हम लोग अलॉटमेंट के लिए, अभी तक अलॉटमेंट आया नहीं है, और उसके बाद अलॉटमेंट आएगा हम लोग भुगतान करेंगे, कई बार किया है 19 में काम किया है, 19 के बाद इधर पूछे आया है, वो जो है ना उनका कहना हुआ कि तत्कालीन सीओ साहब जिस समय थे उस समय पैसा भेजा गया था, जो पैसा भेजा उस समय जो है श्रावणी मेला चला था, आप लोग भी जानते हैं कि उसमें तेल वाला को दिया उसी से आप देखिए ना, ये लेटर लगा के कि मैंने अलॉटमेंट का मांग करा है इन लोग का पेमेंट के लिए, ये कितना बार देखिए लिख चुके हैं, अच्छा तो कुछ नहीं मिला पैसा, अलॉटमेंट जैसे देगा हम लोग पेमेंट कर देंगे, दूसरा मिलेगा यही करना, वो जब शैलेंद्र कुमार सिंह हुआ पोस्ट है लिपिक है R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट, संग्रामपुर मुंगेर।